टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को शमसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि ट्यूशन पढ़ते वक्त उसके गुरुजी ने उसके साथ छेड़खानी की है। इसको लेकर स्कूल के अंदर भी काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। दरअसल सुहारा के एक गांव की रहने वाली लड़की RSP इंटर कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ती है। वो अपने ही स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर रघुवीर सिंह के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए उनके घर जाती थी। छात्रा का आरोप है कि रघुवीर सिंह ने ट्यूशन पढ़ाने के दौरान उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। छात्रा किसी तरह से वहां से भागकर घर पहुंची और अपने घर वालों को पूरी बात बताई, जिसके बाद घर वालों में गुस्सा फैल गया। आज बड़ी तादाद में घर वाले गाँव वालों को लेकर स्कूल पहुंचे और वहां जमकर हंगामा हुआ। मौका पाकर शिक्षक ने वहां से खिसकने की कोशिश की, जिसको पकड़ लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस उसे अपने साथ ले गई। दूसरी ओर कॉलेज की प्रधानाचार्य का कहना है कि घटना उनके स्कूल में नहीं हुई है, मास्टर के घर पर हुई है। कॉलेज का घटना से कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम है कमल सर। अच्छा, आज RSP पे तो इतनी भीड़ है, क्या मामला पूरा? वजह ये हुई कि मेरी बहन जो है स्कूल आई थी। अब स्कूल में एक जो है मास्टर है, नाम बोलो, रघुवीर धोबी। अब उसने जो है हाथ पकड़ा, वो ये है कि गलत नज़र से मेरी बहन को देखा। अच्छा। और इन लोगों ने उसे भगा दिया। अच्छा। अब हम उनसे ये बोलें कि बुला लो, फैसला कर लो चार आदमियों में कि क्यों गलत नज़र से हाथ पकड़ा। छेड़खानी की है मेरी बहन के साथ। अब वो बंदा आ नहीं रहा और ये स्कूल वाले उसे ला नहीं रहे, उसे बचा रहे हैं, सब उसका पक्ष ले रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ बचाएंगे तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि आगे मेरे पीछे कोई नहीं, ना माँ ना बाप, बाकी है बिजनौर जेल पढ़ाऊँगा। मेरा भतीजा है। आपका क्या मामला? मेरा भतीजा, मेरी बहन है। अच्छा अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी लड़की हैं, कितनी होंगी, 20 है, 20 के हजारों लड़के हैं, बच्चे हैं। अरे सबको छोड़ो, हर एक ही कमरे में, मैं तो उसी कमरे को वो कर रहा है जिसमें मेरी बहन है। मगर एक बात तो बताओ कि अगर ऐसे समय करेंगे तो ये थोड़ी है, कितना बुढ़ा आदमी हो गया, मुझे इसने पढ़ा लिया, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, इंटर करा मैंने इससे। इसे अब आप लोग कार्रवाई जाते हैं उनके खिलाफ। कार्रवाई ये करनी, बात सुनो, कार्रवाई ये करनी है, यहाँ पे बुला लो सबके सामने, फैसला तुम्हारा, फैसला जो कह दो वो कर दो, तुम कहोगे वो करना। तो यार मेरा नाम जयराम शर्मा। अच्छा, कह रहे थे आप नीचलपुर, क्या मामला हुआ, आज इतनी भीड़ है स्कूल? देखो जी, कल मेरी लड़की ट्यूशन पढ़ती है, रघुवीर के यहाँ जाती है, 3 से 4 ट्यूशन चलता है। कौन से क्लास की छात्रा आपकी बेटी? इंटर क्लास। अच्छा। मैथ लिए लिए हुए, मैथ मैथ उसके पास है, मैथ का टीचर है वो। अच्छा। उसने मेरी लड़की के साथ बदतमीजी करी, पासवर्ड याद नहीं है। अच्छा। उससे पासवर्ड पूछा, अरे ये बच्चे गए थे, मैं नहीं गया था। भाई फिर बताओ आप क्या हुआ? अरे हम ये हुआ कि अब ये लोग मुझ पर फैसला का दबा देने, उस भोसले को बुलाओ, मैं गाली भी दे दिया। देखो मीडिया में पहुंचाऊंगा मैं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करता, मैं तो मजदूरी करूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई ये चाहता है कि उसे जो है ना यहाँ से इस स्कूल में ना रह, इस स्कूल से आज ही और जेल चल जाना चाहिए, अन्ना तो भाई साहब मैं आगे भी करूँगा। एक बात तो अवगत कराना है कि आज दिनांक 28/9/2024 को थाना सुहारा पर वादी द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि उसकी पुत्री के साथ उसके ट्यूशन टीचर ने कल दिनांक 27/9/2024 को दोपहर लगभग 3:30 बजे, जब वह ट्यूशन पढ़ने गई थी, उसके साथ छेड़खानी की घटना कारित की है। सूचना पर थाना सुहारा पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकरण किया जा रहा है। साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।